है वीडियो। ठीक है, ई नंबर क्वेश्चन, जिसको जिसको नहीं समझ में आया समझने की कोशिश करेगा। हम लोग क्या पढ़े, वो डिवीजन पढ़ रहे, डिवीजन डिवीजन वो कैसा पढ़े? अच्छा नहीं समझ में समझो, डिवीजन में हम लोग क्या पढ़े, वो डेसिमल वाला डिवीजन हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। क्वेश्चन जब डेसिमल में आएगा तब है ना बाबू, परफेक्ट जो डिवाइड नहीं होगा। जैसे कोई कहा दे बाबू, जैसे कोई कहा दे, शांति से मिलना, जैसे बाबू कोई कहा दे बाबू, मान लो वो पहले छोटका वाला देता है, एट को डिवाइड करने का रहा वो सेवन एट फाइव फोर से, ठीक, इसको कह रहा है डिवाइड करने के लिए। तो देखो कैसे करना, शांति समझना, जो नहीं नहीं समझे बाबू वो शांति समझो। पहले बाबू हम लोग एक डिजिट सोचेंगे, तो एट है, यहाँ क्या है सेवन है बाबू, एट है और सेवन है, तो एट से सेवन डिवाइड होगा नहीं ना, तो फिर दो डिजिट के बारे में सोचना, दो डिजिट के बारे में सोचना, ठीक ठीक है। अब एट से सेवनटी एट को डिवाइड करना, तो एट का टेबल पढ़ो, या तो सेवनटी एट आ जाने, तो सेवनटी एट से क्या आवे, छोटा आवे। एट का टेबल पढ़ो, या तो सेवनटी एट आ जाने, तो सेवनटी एट से छोटा आवे, तो कितना टाइम में, नाइन टाइम में, एट नाइन जा कितना होता है सर, नाइनटी टू होता है, एट नाइन जा कितना होगा, सेवनटी टू हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छी बात। एट नाइन जा कितना होता है, सेवनटी टू होता है, एट में से टू जाएगा कितना होगा, सिक्स हो जाएगा। नहीं बाबू बता रहे हैं, समझिए है ना, एक दीप्त आंसू नहीं आया ना, कहाँ भाग ले बाबू, शुभ बाबू कहाँ भाग गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फाइव को राइट डाउन करेंगे, फाइव हो गया। फिर एट का टेबल पढ़ो, एट का टेबल पढ़ो, हमको सिक्सटी फाइव लाना है या सिक्सटी फाइव से छोटा लाना है, ठीक। तो एट का टेबल पढ़े, एट वन जा वन, एट टू जा सिक्सटीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, एट फाइव जा फोर्टी, एट सिक्स जा फोर्टी एट, एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स, एट 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 जा सिक्सटी फोर, एट नाइन जा सेवनटी टू, एट एट जा सिक्सटी फोर, तो एट टाइम में आएगा, हाँ सर सिक्सटी फोर होगा, फोर ये इसमें से उठा, फाइव में से फोर जाएगा वन होगा, माइनस कर, ठीक। उसके बाद क्या करना, अगला डिजिट उतारना, अगला डिजिट। दो नंबर आपने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, ये नहीं बाबू, आप कहाँ थे बाबू, ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, सर मैं इधर नहीं था, हाँ तो नहीं था तो बाबू छूट गया, ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, फोर्टीन है ना, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छा ठीक है शांति से पढ़ो, एट है बाबू, एट है, यहाँ फोर्टीन है, तो एट का टेबल पढ़ो, या तो फोर्टीन आ जाए, फोर्टीन से छोटा आ जाए, एट वन जा वन, एट टू जा सिक्सटीन, मैंने वन टाइम में, वन टाइम में, वन टाइम में, तो वन टाइम में एट हो गया, फोर्टीन में एट जाएगा, आपके पास फोर्टीन रुपया था, आठ रुपया मम्मी लेके भाग गई, तो क्या रुपया बचा, छह रुपया बचा, तो सब्ट्रैक्शन, हाँ सब्ट्रैक्शन का मतलब वही होता है, कोई किसी से छीन लेता है, ठीक। अब यहाँ फुट होगा, अब यहाँ पे डेसिमल, ये वहां पे क्या आ गया, एट से छोटा आ गया, एट से सिक्स छोटा है ना, तो अब यहाँ क्या करना, यहाँ डेसिमल पुट करना, क्वेश्चन में डेसिमल के बदले यहाँ पे जीरो पुट करना, ठीक। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बाबू बोलिए सर, इन डेसिमल क्वेश्चन में कभी लगाते हैं ना, जब हमारे जो डिविडेंड है वो पूरा खत्म हो जाता है, हाँ बाबू डिविडेंड बाबू खत्म हो जाता है, डिविडेंड जब खत्म हो जाता है, यहाँ पे जो रिमेनिंग नंबर बच रहा है, जो रिमेनिंग नंबर बच रहा है ना बाबू, जो रिमेनिंग नंबर बच रहा है ना, जो रिमाइंडर बच रहा है, वो क्या कितना कितना होना चाहिए, ये आपका बाबू डिविजर से छोटा होना चाहिए, और डिविडेंड में सारे नंबर खत्म हो जाएंगे, समझ में आ गया सर, यानी कि सब जो 30 नंबर है इसमें सर पीछे वाले का भी तीन डिजिट होना चाहिए और आगे वाले का भी तीन डिजिट होना चाहिए, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद, ऐसा करना, अगस्तिया बाबू इसको तो ढूंढ देंगे, पकड़े वीडियो का बंद के लिए, नहीं पढ़ना तो भाग दे, चल जाए बाबू अगस्तिया, शैतान ये तो बाबू भुका भुका कर जान मारता। डेसिमल बाबू हम लोग तब लगाएंगे, शांति से समझो, डेसिमल हम लोग बाबू, अब इसके बाद देखो ये फोर लिख ले, इसके बाद कोई नंबर नहीं ना बाबू, नहीं ना कोई नंबर, ठीक से। अब इसको और हम लोग चाहते बाबू, इसको कैंसिल आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करना, कोशेंट में यहाँ क्या करना, डेसिमल लगाना, कोशेंट में यहाँ पे डेसिमल लगाना, ठीक, इस डेसिमल के बदले यहाँ पे क्या देना, रिमाइंडर में जीरो देना। अब फिर से अब डिवाइड का प्रक्रिया आपका शुरू होगा, स्टार्ट होगा फिर से डिवाइड, फिर एट का टेबल पढ़ो, सिक्सटीन मेरा कितने टाइम में आएगा, सिक्सटीन मेरा कितने टाइम में आएगा, सिक्सटीन आ जाता है सिक्सटीन से छोटे, सिक्सटीन आ जाता है सिक्सटी, सिक्सटी है सिक्सटी, सिक्सटी नहीं है, ठीक है, तो सिक्सटी आ जाता है सिक्सटी से छोटा आ जाए, तो एट सेवन जा कितना होता है, फिफ्टी सिक्स होता है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो, साठ रुपया ये टेन है, टेन में से छः जाएगा तो कितना होगा, फोर हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक, यहाँ फोर हो गया, अच्छी बात है। फिर बाबू अब देखो क्या बाबू, यहाँ पे बाबू सर यहाँ पर लिखे है प्लस है या सेवन ऊपर में, वहाँ पे नहीं सर, यस सर
सेवन है बाबू, सेवन है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, यहाँ फोर आ गया। ठीक, इसको और कैंसिल आउट करना, इसको क्या करना, और कैंसिल आउट करना। तो अब एक बार डेसिमल दे दिया ना बाबू, एक बार डेसिमल दे दिया, तो इसको यहाँ पे आप अपने मन से जीरो पुट कर सकते हैं, जीरो क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं ना। ठीक, फिर टेबल पढ़ो, एट का टेबल पढ़ो, फोर्टीन कितना टाइम है, एट का टेबल फोर्टीन आ जाए, फोर्टीन से छोटा आ जाता, एट फाइव जब कितना होता, एट फाइव जब फोर्टी होता, फोर्टी होता, तो ये सब ट्राइट हो गया, तो कितना हो गया, जीरो हो गया है ना, जीरो हो गया है ना। ठीक ठीक बाबू, तो यही बाबू क्या हो गया, यही बाबू इसका रिजल्ट हो गया। मतलब क्या बाबू, सेवन एट, शांति से सुनना, सेवन एट फाइव फोर को अगर डिवाइड करोगे किस से, एट से, तो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, नाइन एट वन सेवन फाइव हो जाएगा, सेवन फाइव हो जाएगा, सेवन फाइव हो जाएगा। राइट डाउन करो, आगे समझा रहे हैं, आगे समझा रहे हैं, राइट डाउन कीजिए। सर यानी कि क्वेश्चन का जो डेसिमल वाला पार्ट है, डेसिमल के पहले पार्ट है, वो थ्री डिजिट से अप या थ्री होना चाहिए ना, ऐसा जरूरी नहीं है बाबू कि थ्री डिजिट। सर जैसे कि जो 981 है वो सर थ्री ही है। डन सर, थोड़ा समझा देंगे, मैं नहीं अच्छा ठीक है, समझाते समझाते समझाते, क्वेश्चन नंबर लिखा है क्या बाबू, कितना नंबर है सर, ई नंबर है, ई नंबर है, ई नंबर है। कैमरा थोड़ा डाउन करो अगस्त यहाँ, चलो ठीक है, हाँ ऐसे रहना, फिर उधर इधर देखेगा तो फिर कूटेंगे। एक के रूम में काहे बैठ के गप कर रहा है बाबू, दोनों भाई बहन एक रूम में बैठ जाते हैं, कहते समझ में नहीं आता, सुनबे नहीं करेगी, समझते कैसे समझ में आएगा, शांति से नहीं सुनेगी आराध्या तो कभी नहीं जिंदगी में समझ में आएगा, सुनती कम हो और गप करती हो ज्यादा। फिर कैमरा ऊपर काहे कर लिया अगस्त्या, ये दोनों को भगाने में फायदा सिंसियर है सर, मैंने कुछ नहीं किया भैया, ना वीडियो ऑफ इसलिए कर रहे थे क्योंकि ना भैया गेम खेल रहे थे वीडियो ऑफ करके। नो सर। यस सर, मैं जब देखी ना, आएंगे ना, आएंगे ना तो हाथ पर तोड़ के भगा देंगे, ठीक है ना, हमको, हम लोग ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। सर मैं ऐसे गलती देखी तो मुझे, मैं देखी भैया गेम खेल रहे थे इसलिए वीडियो ऑफ था भैया का। हाँ बाबू, तो आएंगे ना जिस दिन, हाथ पर तोड़ के भगा देंगे, सीधा सी बात है, पढ़िए पढ़िए मत पढ़िए, ऐसा बच्चा को हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, आधा घंटा से चिल्ला रहे हैं, वीडियो बंद है, ये है वो है, लिखो जल्दी सर। ऐसे सर ए था यानी कि 30 का जो ए है सर, उसका आंसर होगा 620। अरे यही क्वेश्चन है सर, यही वाला क्वेश्चन है, वो डिवाइड किए तो यही ना आंसर बड़ा, वो क्वेश्चन में वही ना सर, मैं वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, ये जो ए नंबर था 1000 by 16 डेसिमल वाला सर, उसका आंसर सर 62.5 था। हाँ वो 62.5 था। ओ सर, तब तो मैं गलत सही कर रहा था, लेकिन मेरा सही नहीं हो गया। अच्छा ठीक है अगस्तिया, कल से आप नहीं आएगा बाबू, वीडियो का बंद कर ले शैतान, पढ़ाई को मजाक समझ लिया क्या बाबू, पापा जी को आज फोन करते हैं, इसको नहीं हमको पढ़ाना, आप लोग को हमको पढ़ाना ही नहीं बाबू, पढ़ता लिखता नहीं है, खाली इसी में नाटक करते रहेगा। सर भैया हंस रहे हैं। हाँ बाबू, उसको आज पिटवाते, किसी किसी से भेजते नहीं सर, ऐसे मत पढ़ाना कल से क्लास, ठीक है ना, हम नहीं ऐसे बच्चे को पढ़ाते हैं, एक घंटा में, एक घंटा से बाबू आधा घंटा हल्ला कर रहे हैं, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो तो बंद करके नाटक कर रहा है, नहीं आइएगा कल से, रहिएगा जैसे पहले थे उसी तरह रहिएगा, सरिएगा जाके कहीं जाके कोना में, पहले जैसे गोबर गणेश थे उसी तरह से रहिएगा, आधा घंटा से बोल रहे हैं वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट देखो, जिसको नहीं समझ में आया बाबू अगला क्वेश्चन समझ, पूरा मिटा दीजिए। हाँ वो पूरा मिटा रहे हैं। F नंबर बाबू, हमको समझ में आ गया, आ गया तो अच्छी बात है। देखो आपको क्या करा, जैसे बाबू क्या कहेगा, जैसे बाबू ऐसे कह देगा है ना, जैसे बाबू अभी एकदम सिंपल सिंपल बता रहे हैं, जैसे बाबू 7 5 बाबू 8 9 3 अब मान लो 2, इतना बड़ा डिवीजन, इसको कह रहा है 11 से डिवाइड करने के लिए, है ना, ये सिंबल क्या है, डिवाइड का है ना, डिवाइड का है ना बाबू, इसको कह रहा है डिवाइड करो, तो देखो कैसे करना, इतना 11 क्या हो जाएगा, डिविजर हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा, डिविजर हो जाएगा, 11 ऐसे एक चीज पूछ रहा था सर, यानी कि बी नंबर का सर होगा 37.5
और उसके बाद 5-5 कंटिन्यू होता जाएगा, है ना सर? अच्छा हाँ बाबू, चलो ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट देखो क्या बाबू, देखो क्या है, इसको कह रहा है डिवाइड करने के लिए, है ना? तो देखो कैसे करना, कैसे करना, कुछ मत करना। पहले बाबू एक डिजिट के बारे में सोचना, मान लो सेवन के बारे में सोचते, तो इलेवन से सेवन छोटा है ना? हाँ सर, इलेवन से सेवन छोटा है ना? हाँ सर, तो डिवाइड नहीं होगा। तो फिर अगला डिजिट के बारे में सोचना, दो डिजिट लेना। तो देखो इलेवन से सेवेंटी फाइव, हाँ इलेवन से सेवेंटी फाइव बड़ा है। हाँ सर, अब यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये डिवाइड होगा, ठीक। अब कितना बार में होगा सर? इलेवन का, अच्छा ठीक है, इलेवन का टेबल पढ़ो, इलेवन का टेबल पढ़ो, ठीक है। तो या तो 75 आ जाए, नहीं तो 75 से छोटा आ जाए। तो कितना आ जाएगा सर? 11 6 का कितना होता है सर? 66। माइनस करेंगे, अच्छा ठीक है, तो माइनस करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 15, 15 में से 9 गया कितना, 6, ना 15 में 6 गया 9, और ये कैरी इधर से एक जाएगा ना, जितने 6 बचेगा, 6 माइनस 6 0, ठीक, 0। फिर आगे हम लोग क्या करें बाबू, फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, अगला डिजिट उतारेंगे, अगला डिजिट क्या है, 8 है। फिर अब हम लोग टेबल पढ़ेंगे, 11 का टेबल पढ़ेंगे, या तो बाबू 98 आ जाए, नहीं तो 98 है ना, चलो ठीक है, 98 आ जाए, नहीं तो 99 98 से क्या आ जाए, छोटा आ जाता है। 11 9 98 होता, 99 होता, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 99 हो जाएगा, और यहाँ 98 है, तो 9 टाइम में नहीं होगा, तो 8 टाइम में, 8 टाइम में होगा, 11 को 8 से, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 88 होगा, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, 8 टाइम में 88 हो गया। इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, 8 में 8 जाएगा 0, और 9 में 8 जाएगा कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट समझना, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला डिजिट को राइट डाउन करेंगे, 9 है, 9 लिखो, फिर 11 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 109 आ जाए, नहीं तो 109 से छोटा आ जाए। तो 11 का 11 है वो पढ़ेंगे, तो कितना टाइम होगा, 11 9 टाइम में, 11 9 जाए, 11 9 जाए कितना होता है, 99 होता है। अब इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में 9 0, और ये 10 है, 10 में 9 जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगला डिजिट कौन सा उतारेंगे सर, 3 है, अगला डिजिट कौन है, 3 है, तो 3 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, समझना, 3 लिखेंगे, ठीक। फिर बाबू टेबल पढ़ेंगे, या तो 103 हो जाए, तो 103, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 9 वहाँ पे 5 लिखा है या 8 लिखा है बाबू, बाद में बाबू समझा रहे, समझो से, तो सुनता नहीं है तब ना ऐसे दिक्कत होता, 5-8 नहीं बुझाता, ठीक। नेक्स्ट बाबू ये क्या बाबू, 3 है, 3 उतारे। फिर बाबू हम लोग कितना बार में लगाएंगे, 9 बार में लगाएंगे, 9 मतलब 11 9 जाए कितना सर, 99। फिर इसको सबट्रैक्ट करो, तो ये 13 में 9 जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, ये 0 हो गया, है ना, 0 हो गया, ठीक, 4 हो गया। फिर ये छोटा हो गया बाबू, अगला डिजिट उतारते हैं, अगला डिजिट कौन है सर, 2 है, अगला डिजिट क्या, 2 है, तो 2 उतारेंगे। फिर 11 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 42 आ जाए, नहीं तो 42 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो 11 3 जा 33, 11 4 जा 44 होता है, तो 3 टाइम में 33 होगा, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये 12 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 12 में से ये कैरी लेगा ना, वो तो 12 में से 3 जाएगा 9, और यहाँ 0, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू आगे डिजिट नहीं बच रहा है, आपका बाबू डिजिट खत्म हो गया, आगे डिजिट खत्म हो गया, अब बाबू डिविडेंड में कुछ होना है, अब डिविडेंड में कुछ, ठीक, अब डिविडेंड में कुछ भी नहीं है, डिविडेंड में क्या बाबू कुछ भी नहीं है, पहले फोटो तो देखने दो कौन कौन गायब है, चलो ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे बाबू हम लोग क्या करें, आगे कोई डिजिट नहीं ना बाबू, यहाँ पे कुछ नहीं, डिविडेंड खत्म हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पे कोसेंट पे ये करना, कोसेंट में पॉइंट देना, ठीक, कोसेंट में, कोसेंट में जैसे पॉइंट दो, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर, यहाँ पे एक 0 बैठाना, ठीक। अब पुनः बाबू अब वही प्रोसेस अप्लाई करना, पहले जो अप्लाई किए थे, है ना, तो 11 से 90 बाबू कितना टाइम है, 8 बार में कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, तो 90 में 88 घटाओगे, 90 में 88 घटाओगे कितना होगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 02 हो गया, ठीक, ठीक। इसके बाद कहाँ लिखना, इसके बाद यहाँ लिखना है ना, नेक्स्ट। फिर बाबू हम लोग क्या करेंगे, अब 02 है बाबू, 11 से छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे 0 बैठा, फिर 1 टाइम में कितना करेंगे, किसका अनम्यूट है जी, चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट 0 बैठा। फिर बाबू 11 का टेबल पढ़ो, 11 1 जाए कितना सर, 11, इसको सबट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर बाबू आप लोग कर सकते हो, अब डेसिमल के बाद बाबू ऐसे ऐसे करते जा सकते हो, करते जा सकते हो, है ना, राइट डाउन करो, तो आंसर इसका कितना होगा, 11 को बाबू
डिवाइड करोगे इस नंबर से तो कितना आ जाएगा 6899 3.81 आ जाएगा। लिखिए फिर आगे समझाते, समझ में आया बाबू? थोड़ा सा लिखो, आयो समझा? हाँ बाबू, हाँ बाबू, डॉट 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 बोलो। वन नहीं लिखे क्या बाबू? वन नहीं लिखे सर, और एक वन लिखाएगा ऊपर। अच्छा ठीक है, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखे ना। हाँ बाबू बोलिए। वो वन सर, जो हमारा जो आंसर है वन के बाद फिर से ये जीरो हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, तो फिर से डिवाइड करेंगे ना। हाँ बाबू फिर से रिपीट होते रहेगा, मतलब सर ये कभी खत्म नहीं होगा। हाँ क्या क्या बाबू? आयुष क्या बोल रहे हैं? आयुष डांसर, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं ना? हाँ बाबू पढ़ाएंगे रेकरिंग, रेकरिंग डेसिमल पढ़ाएंगे सर। लिखिए लिखिए बाबू। हाँ बाबू बोलिए। सर 81 के बाद 8 होगा ना? 818। अरे 0.811 ना है बाबू, दो गो वन है ना बाबू। सर दो वन कैसे होगा सर? अच्छा आँख खोल के देखे, दो बन होगा, एगो यहाँ के बदले होगा, एगो यहाँ के बदले, दो बन होगा। कहाँ से सर? अरे शैतान अपना दिमाग लगाए ना, वो सब चीज पूछ पे करता, सोचता नहीं है कुछ। दोनों भाई बहन एक रूम में क्यों बैठता है बाबू? अगस्त आराध्या दो रूम नहीं है शैतान, एक रूम में बैठ के खाली गप करते रहती है। अरे एक यहाँ वाला हुआ शैतान, 88 वाला में भी अभी टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम नहीं हुआ, ठीक यहाँ एक ही बना है बाबू। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, के बोलने का सर वही उतने से बोल रहा था। अच्छा चलो ठीक है। दीप्तांशु समझ में थोड़ा सा है बाबू? दीप्तांशु, दीप्तांशु चलो बाबू। आयुष समझ में आ रहा है? आयुष यस सर। हाँ बाबू, तो होमवर्क बाबू आपका मंथ एक मंथ पूर गया ना? आयुष कई तारीख लिखा था कॉपी में बाबू? 5 तारीख। कॉपी में कितना तारीख को लिखे थे बाबू? एक मंथ पूरेगा आपका, पिटाने के लिए कल तैयार रहेगा यूस, ठीक है? सर अब बोलिए। सर ये काम सर, वेरी गुड, बोलिए इसका बाबू, बोलिए इसका। नो सर, आंसर सर। देखो जिसको नहीं समझ में आया वो अगला क्वेश्चन में सर। हाँ बोलिए। ठीक है, जय जय सतन, जाइए। जिसको नहीं समझ में आया आगे वाला क्वेश्चन में समझे, अगला क्वेश्चन में समझे ना, आगे वाला क्वेश्चन। EF G नंबर नहीं समझ में आया जो इसमें समझेगा, हल्ला मत करेगा। देखो बाबू 196 बाबू 3254 है, डिवाइड करने का रहा 15 से, ठीक? देखो कैसे करोगे, शांति से समझना, जिसको नहीं समझ में आया इसमें समझो, उसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। टाइप क्या करेंगे? चेंज करेंगे डिवीजन का टाइप, चेंज करेंगे ना, चेंज करेंगे। देखो एक लास्ट क्वेश्चन समझो। अरे टाइप चेंज बाबू, टाइम चेंज नहीं शैतान, टाइप टाइम चेंज। हम लोग क्या 15 है, डिवीजन में 15 लिखेंगे, 196 बाबू 3254 है, ठीक? तो पहले हम लोग एक नंबर के बारे में सोचेंगे, तो 1 सोचेंगे तो 115 से क्या छोटा है, तो नहीं होगा। तो दो नंबर के बारे में सोचो, 90 तो टेबल पढ़ो, या तो 90 आ जाए तो 90 से छोटा आ जाए, तो वन टाइम में कितना होगा 15 होगा, माइनस करो 19 में 15 जाएगा 4 हो जाएगा। अगला डिजिट क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे,
सिक्स है। शांति से समझना, शांति से समझना, जिसको नहीं समझ में आया शांति से सुनिए। यही बाथरूम गया अध्याय, ये दोनों नहीं पढ़ेगी बाबू। सर अभी तो आई हूँ। अरे तो आई हो तो बाबू सिंसियर होकर पढ़ने में भाग पड़ता बाबू, खाली गप करते रहते हो। सर आई तो रही थी। आप जैसा दो चार को बच्चा मेरे यहाँ जाते तो हम पागल ही हो जाए बाबू। थोड़ा सा शर्म नहीं लगता बाबू आप दोनों को? थोड़ा सा भी नहीं लगता? आपके पेरेंट्स कितना मेहनत करते हैं, वो कितना मेहनत से पैसे जमा करते हैं, आप लोग को खिला पिला रहे हैं, थोड़ा सा भी नहीं शर्म लगता है? नेक्स्ट बाबू, ठीक हमने क्या किया बाबू, वन टाइम लगाया, मुझे बोल रहे थे क्या? ठीक ये नाइन में से फाइव जाएगा फोर होगा, ठीक इधर क्या होगा, फिर अगला उतरना सिक्स हो जाएगा, फिर फाइव फिफ्टीन का टेबल पढ़ना, या तो 46 आ जाए, चाहे 46 से क्या आ जाए काम आ जाए, तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, थ्री टाइम 45 होगा, ठीक। अब 46 में आप मुझे बोल रहे थे क्या? 46 में 4 या 5 जाएगा, कितना होगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग 3 राइट डाउन करेंगे, ठीक 3 राइट डाउन करेंगे, है ना, 3 राइट डाउन करेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू अब 15 का टेबल पढ़ना, 3 हमने लिखा ना बाबू, अब देखो यहाँ 13 क्या सर छोटा है, 13 बाबू ये 15 से क्या हो गया छोटा हो गया, तो एक डिजिट और उतारेंगे, एक डिजिट और उतारेंगे, तो एक डिजिट अगर एक बार में बाबू अब शांति से सुनिए, एक बार में एक के डिजिट उतारा जाता है, दो डिजिट नहीं उतारा जाता, तो यहाँ 13 जो आ रहा था बाबू 15 से क्या रहता छोटा रहता, तो अगला डिजिट उतारोगे तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, जीरो देना पड़ेगा। यहाँ पे बाबू अगर दो डिजिट उतारे ना, पहले एक बार क्या उतारे 3 उतारा, फिर 2 उतारे, तो 2 डिजिट राइट डाउन किया ऊपर से, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक जीरो देना पड़ेगा, ठीक। अब फिर 15 का टेबल पढ़ो, 15 का टेबल पढ़ो, या तो 132 आ जाने, तो 132 से छोटा आ जाए, 15 8 जा कितना होगा सर 120 हो जाएगा, इसको सबट्रैक्ट करो, 2 में से 0 जाएगा 2 हो जाएगा, या 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक 12 हो गया, ठीक। नेक्स्ट अगला डिजिट लिखेंगे, अगला डिजिट क्या सर 5 है, कहाँ 1 में से 1 गया बाबू, जहाँ पे आप 1 2 5 लिखे हैं। अरे तो 2 में से ही हुआ ना 1 2 5, ये तो हुआ ना, क्वेश्चन में आपने वो 0 क्यों दिया है, 0 बाबू अभी ना आपको बताया बाबू, यहाँ पे बाबू आपने क्या किया 3 लिखे, 3 लिखे शैतान, तो 3 लिखा तो 15 से छोटा ना, वो डिवाइड तो नहीं होगा, तो एक बार हमने 3 उतारा, फिर अगला बार क्या उतारा 2 उतारा, दो दो डिजिट उतारा, तो दो डिजिट जब भी राइट करोगे तो बीच में एक जीरो देना पड़ेगा, जीरो देना पड़ेगा, है ना, जीरो देना पड़ेगा, ठीक। सर तो 1 2 5 जो है उसमें 1 के पहले भी तो 0 आएगा ना, 1 -1 हो रहा है ऊपर देखिए ना। हाँ शैतान, तो यहाँ 0 आगे लिखो चाहे नहीं लिखो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, आगे किसी भी नंबर के आगे 0 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। फिर हमने क्या किया 5 उतारा, फिर बाबू 15 का टेबल पढ़ेंगे, कितना टाइम में आएगा 125, तो 8 टाइम में कितना आएगा 120 आएगा, 8 टाइम में कितना आएगा 120 आ जाएगा, फिर सब ट्राइट करो, 5 में 0 जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 2 - 2 0 और 1 - 1, तो किसी भी नंबर के आगे 0 लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट बाबू 4 लाएंगे, 54 हो जाएगा, फिर 15 का टेबल पढ़ेंगे, तो 54 आ जाए, नहीं तो 54 से छोटा आ जाए, तो 15 3 जाए कितना होता है सर 45 होता है, टेबल आपको याद रखना है 45 होगा, इसको सब ट्राइट करो, 14 में से 5 जाएगा कितना 9, और ये माइनस करोगे तो 4 में से कितना 0 हो गया, ठीक 0 हो गया। अब बाबू यहाँ पे आगे नंबर नहीं है, आगे यहाँ पे डिविडेंड में नंबर नहीं है, आगे बाबू डिविडेंड में नंबर नहीं है, डिविडेंड में नंबर नहीं है, है ना, इसको और हम चाहते बाबू डेसिमल में लाने के लिए, तो क्या करना यहाँ पे डेसिमल में डेसिमल में 0 पॉइंट देना अति क्वेश्चन में, हाँ सर, तो इस पॉइंट के बदले बाबू यहाँ पे क्या करना एक 0 बैठाना, अब क्या हो गया 90 हो गया, 90 अब 15 का टेबल पढ़ो, 15 का टेबल पढ़ो, 90 आता है, हाँ सर, 6 टाइम, ये सब 90, ये सब ट्रेड करोगे 0 हो जाएगा, है ना, yes. तो यही बाबू इसका रिजल्ट हो गया 138883, है ना, अब पॉइंट कितना हो गया 6 हो गया, राइट करो, समझी अरग्या समझी बाबू कि नहीं समझी डिवीजन बाबू, सर ये हाँ ये बोला बाबू अरग्या यही बोला। सर वैसे चीज पूछना था सर, जो बात बोले थे सर ने किसी को कि सर जो जब आराध्य आई थी वो कहीं से, अरे सर शांत रहो, पढ़ाई करो बाबू, हल्ला करोगे तो
हार गया, समझे बाबू हार गया कि नहीं समझे? सर मैं पूछ रहा था कि आपने मुझे बोला था क्या? हाँ बाबू हार गया, समझे? ये वाला? हाँ ये वाला सर, आधा ही समझ पाई। आधा ही समझ पाई हार गया, चलो पॉइंट के बाद नहीं समझ पाई सर। अच्छा ठीक है सर, आपने मुझे कुछ बोला था क्या? नहीं बाबू कुछ नहीं बोले बाबू, पढ़ाई कीजिए पढ़ाई कीजिए। डन सर। ठीक है सारे बच्चे को लिखने दो। डन सर। अच्छी बात, वेरी गुड बाबू। अब एक क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं, कौन बच्चा बना के दिखाता है वो बना के दे। समझा दीप्तांशु? ये दीप्तांशु आग खराब हो गया बाबू? दीप्तांशु Yes, sir. अरे क्या हो गया बाबू आपको? सर आपके किनारे में जख्म हो गया। अच्छा जख्म हो गया बाबू, चलिए ठीक है। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, दे दीजिए बनाने सर। हाँ एक क्वेश्चन दे रहे बनाने के लिए, जल्दी बना कर दिखाएगा। सर बगल में लिख के दे दीजिए। बगल में दे रहा है EFGH नंबर 9796543 डिवाइड बाय, नहीं क्लास वर्क है, अभी इसको बना के दिखाना है, हल्ला नहीं करना है। बना के क्वेश्चन है सर। हाँ एक को बना के दिखाओ कितना स्टूडेंट समझा, देखते हैं। ओके सर। डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? 9 है। ओके सर थैंक यू। जल्दी से बना के दिखाओ कितना समझा नहीं समझा, कौन कौन समझा। जिसका जिसका गलत होगा सर ये 45 तो 5 से कट जाएगा, फिर 4 को नीचे उतारेंगे, 4 से भी नहीं होगा तो फिर 3 को उतारेंगे, तो हमें क्वेश्चन में 0 लगाना पड़ेगा। हाँ बाबू तो 0 लिखोगे ना, 2 डिजिट उतारोगे तो 0 लिखोगे नहीं बाबू? डन सर। बम मेरे रह गया, दिखाओ तो भोली और अब क्या करने बना। सर बनाई नहीं हूँ, ये वाला लिखी हूँ जी। ये वाला ये बनाई है, बना दे दीप्तांशु जल्दी से। डन सर। सर बना लिया, दिखाओ कहाँ बनाया, दिखाइए दिखाओ स्वर्णदीप। हाँ बाबू 1A108504.77 एक टाइम और लगा तो लगता है बाबू, एक टाइम और करो तो लास्ट वाला। रिमाइंडर कितना है स्वर्णदीप, देखो तो रिमाइंडर कितना है? सर रिमाइंडर तो 7 ही है। 7 ही है सर, 7 डॉट 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 सर ऐसे होता चलेगा। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है स्वर्णदीप। सर आई हैव ऑल्सो डन, वेरी गुड बाबू, ठीक है इस तरह प्लीज शो मी। इसके बाद आगे पॉइंट 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 है। अच्छा 1A88 5188 शैतान इस्ता 1088 होगा बाबू, 1088504 10 होगा बाबू इस्ता, गलत किया। यस सर। राइट डाउन सही कीजिए, सही कीजिए इस्ता 1088 होगा। ओके सर। सर इट्स करेक्ट।
हाँ सही कीजिए, तो ये आंसर आप खाली लिख दिए शैतान, सही कीजिए, सही है। पहले अपना कमी पकड़े, वो कहाँ, हाँ पहले अपना कमी पकड़े, कहाँ गलती आपकी है, दिखाए बाबा लोग। सर देखिए मेरा, दिखाओ आयुष, देखो तो मेरा आयुष दिखा रहा, वेरी गुड आयुष, कहाँ गया इसमें सर, ये तो सही है, 1-0 गलत है आयुष, गलत है बाबा आयुष, गलत कर दिया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ इस टाइम सर ये 9 बन जा, 9 हो जाएगा फिर ये कट जाएगा तो फिर हम 7 को उतारेंगे। हाँ बाबू 7 को उतारेंगे, ठीक है बाबू, ओके सर 7 को उतारेंगे, लेकिन बाबू आप क्वेश्चन में 0 ना दोगे, वही तो गलत कर रही हो बाबू आप। यस सर ये मैंने देख लिया, ये 9 को भी उतारा और 7 को भी, उसमें तो 0 देना भूल गए। लिखे ना फिर, समझा रहा, लिखे ना, दिखाओ अंशिका, चेक कर आयुष सही कीजिए, प्लेस तक ले जाना है, 2 डिजिट तक लिखना बाबू, कहाँ गया ये रहा सर, 1-0-8-5-0-4 अब बनाई कहाँ इस तब बल बल कहाँ बनाई अंशिका, दिखाओ तो बाबू, खाली आंसर लिखो, दिख बनाई किधर हो, चलो बाबू अच्छी बात, नेक्स्ट बाबू, ठीक है, ठीक है बाबू, दिखाइए दीप्तांशु जल्दी बाबू, शुभ बाबू दिखाओ, शुभ्र शैतान 6 में जाकर डिवीजन नहीं आता है, हद है बाबू, जहर खाने वाला दिमाग, दिखाओ अगस्त्य आराध्या, दिखाइए सर, मैं भैया वाले मोबाइल से दिखा दो, दिखाइए दिखाइए, दिखाओ सलोनी सर, मेरा बोल लग रहा है सर, अब देखिए मेरा, सलोनी दिखा रही है, उसके बाद मेरा 108 कितना लिखे सर, अगस्त्य है, कितना लिखे आराध्या, 10504, ठीक है बाबू, ठीक है आराध्या, 28 सही है, सलोनी दिखाओ, सलोनी कितना लिखे हो, गलत है सलोनी, 1885 लिखे हो, गलत है सलोनी, दिखाओ शुभ्र, सर मेरा सही है, हाँ आपका सही है, मेरा देख लीजिए, दिखाओ आलोक, आलोक बाबू दिखाइए, कहाँ कितना लिखा लोग, 10 कितना लिखा लोग, चलो बाबू कितना लिखा था, बुला रहा रहा लोग, 108 लिखा, क्या लिखा लोग बाबू, सर देखिए संदीप उठ गया बेड से, आयो सही करो, गप मत करो, नहीं समझ में आया दीप्तांशु, अरे शैतान अभी 9 बजा डीआईवाई दे दीजिए, इतना पिटेंगे ना सर, सलोनी चलो 22 मिनट अभी बचा हुआ है, हाँ बाबू अभी पढ़ाना, शुभ्र बाबू नहीं बना शुभ्र, इसे तो हम छठा में कैसे चल गया, शुभ्र काम को समझ में नहीं आता, शुभ्र वीडियो ऑन करो, सर मैंने करेक्शन करी है, मेरा आंसर सही है, हाँ बाबू सही है, मेरा मोबाइल, हाँ दिखाओ शुभ्र बाबू, नहीं बना शुभ्र, सर दिखा रहे हैं एक सेकंड, सर मेरा देखिए, किसका देखे अब, अगस्त्य दिखाओ, अगस्त्य शैतान कितना, 1-0-8 चलो ठीक है, अगस्त्य उतारते हैं तो फिर 0 हो जाता है, हाँ बाबू देखो दीप्तांशु समझिए बाबू, मन से समझिए आयुष शैतान, मन से समझो, और अज्ञा बाबू मन से समझिए, बता रहे हैं अमन से समझना, सुबह सुबह बाबू छठा में चल गया शैतान, बच्चा सभी पीछे रह जाता, सर मैं तो सही है ना, सही है बाबू तो समझिए, फिर से हद करता है, लेकिन बाबू आप लोग छठा सातवां में जाके बाबू डिवीजन नहीं आता, इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता, ये सब डिवीजन किस क्लास में, वो प्ले ग्रुप 1 क्लास में, मैक्सिमम 1 तक सारे बच्चे को सीख जाना चाहिए, लेकिन आप लोग बाबू 6-7 में हो कभी नहीं आता है,
सर मैं तो फाइव में मुझे आ गया। देखो कैसे करना बाबू, सलोनी कैसे करना, आप भी गलती की थी सलोनी शैतान, कहाँ गलती की सलोनी, सलोनी सर कहाँ गलत की बाबू? सर अभी चेक कर रही हूँ। अब इधर चेक कीजिए, अब उधर छोड़िए। देखो सबसे पहले हम लोग क्या एक डिजिट के बारे में सोचेंगे, तो एक डिजिट में क्या सर नाइन है, तो नाइन नाइन से तो होबे करता है डिविजन का। हाँ तो नाइन वन जा कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, नाइन हो गया, ये घटा दो जीरो हो गया। अगला डिजिट अब यहीं पे आप लोग फंसे हो बाबू, सारा बच्चा यहीं पे फंसा है, ठीक है ना, स्टक हुआ, यहाँ से सेवन उतारे। अब सेवन जब राइट डाउन किया, यहाँ पे सेवन राइट डाउन किया ना बाबू, हाँ सर। अब देखे वो सेवन जो आ रहा है वो नाइन से क्या आ रहा है, छोटा तो डिवाइड तो नहीं ना होगा बाबू, पर ऐसे तो सेवन उतारे तो ये नाइन से ये सेवन छोटा है ना, तो और एक नंबर उतारेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं ना होगा, वो छोटा होगा तो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करना अगला नंबर, अगला नंबर उतारना। तो जैसे दो गो नंबर उतारा जीरो लिखेंगे, अच्छा ठीक है, जैसे दो गो नंबर, अच्छा ठीक है ठीक है, लो जैसे दो गो नंबर उतारा तो यहाँ पे जीरो देना, जीरो देना, जीरो देना, ठीक। अब अब फिर नाइन का टेबल करो, 79 आ जाए, 79 से छोटा जाए तो 98 जा कितना होता है, 72 होता है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू यहाँ से अगला डिजिट उतारेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ना बाबू 76 क्या हो गया, 9 से तो बड़ा ही है, तो फिर टेबल करो, 9 से कितना हो जाएगा, 98 जा कितना होता है सर, 72 होता है, इसको सबट्रैक्ट करो, 6 में 2 जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। हाँ मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं आएगा, ऐसा था समझे, शांति से खा ले। नेक्स्ट बाबू क्या करेंगे, 5 उतारेंगे, 5 उतारेंगे, ठीक। फिर वो 9 का टेबल पढ़ेंगे, 45 कितना टाइम में आएगा, 9 5 जब 45 हो जाता है, 9 5 जब कितना होगा सर, 45 हो जाएगा, 9 5 जब 45 हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू यहाँ 4 है, 4 उतारो। अब 4 उतारे बाबू, जैसे यहाँ पे बाबू अगला डिजिट क्या, हमने 4 लिखा, अगला डिजिट हमने क्या लिखा, 4 लिखा, ठीक। 4 देखा हो तो 4 भी क्या है सर, 9 से छोटा आ गया, 9 से छोटा थे ऐसा था, 9 से छोटा आ गया 4, 4 क्या आ गया, 9 से छोटा आ गया है ना सर, हाँ सर, तो डिवाइड तो नहीं होगा, तो फिर अगला डिजिट उतारना, फिर क्या करना, अगला डिजिट, अगला डिजिट क्या सर, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखना, फिर 9 का टेबल पढ़ो कितना बार में सर, 43 आ जाए, 43 से छोटा जाए, तो 9 4 जा कितना होता है सर, 9 4 जा कितना होता है, 436 होता है, ये बाबू इसको सब ट्राइड करो, तो 13 में 6 जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, है ना, क्या हुआ बोलो बाबू, यहाँ पे आप 4 और 3 उतारे तो 0 लिखेंगे ना ऊपर, हाँ बाबू यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, दो दो डिजिट जब भी बाबू दो डिजिट राइट आउट करेगा तो 0 जरूर लिखना, 0 जरूर लिखना, ठीक। नेक्स्ट बाबू अब यहाँ पे बाबू इसके बाद 7 है, ये 9 से छोटा हो गया, अब यहाँ पे नंबर खत्म हो गया, डिविडेंड क्या हो गया, खत्म हो गया, मर गया, अब को नहीं बचा तो है ना, तो अब यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे क्या डेसिमल पुट करना, तो डेसिमल को बदले यहाँ पे क्या देना, 0 देना, फिर 9 का टेबल पढ़ो, 70 तो कितना टाइम में पढ़े सर, 70 आ जाए, 70 तो छोटा जाए, तो 9 7 जाए कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, फिर कितना हो गया, सबट्रैक्ट करो, तो 70 में बाबू ये 10 में, हाँ वो ठीक हो, फिर बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपने मन से यहाँ पे 0 दे सकते, एक बार डेसिमल दे दिया ना, अब यहाँ पे 0 दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाबू 9 से 7 टाइम में, 7 टाइम में कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या माइनस करो, ये 7 बच जाएगा, ये कंटिन्यू होते रहेगा, आगे क्या होगा, कंटिन्यू होते रहेगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 108504 हो जाएगा, 0.77 हो जाएगा, समझी सलोनी कि नहीं समझी बाबू, सलोनी अगल बगल घूम रहा है, चलो लिखो, नहीं समझी सलोनी, फिर से लिखना होगा, हाँ लिखे लिखे शैतान, बनाया तो है नहीं, सुख लिखो सर, सर जिनका बन गया उनको लिखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे शैतान लिखे चुपचाप शांति से, रिवाइज होगा बाबू, आप लोग गलती किए हो, फिर से लिखना है, हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखिए, शैतान तो जल्दी लिखिए सर, अब से मैं कभी नहीं बनाऊंगा सर, नहीं तो ऐसे फिर से लिखना पड़ेगा, अच्छा कूटेंगे, जल्दी लिखो दीप्तांशु, डांसर सर, आराध्या चीटिंग कर रही है, वो डांसर बोल के खुद नहीं लिखेगी, अब उसका चेक करेंगे बाबू, दोबारा नहीं लिखा हुआ रहेगा तो पीटेंगे,
सर मैं अपना वाला रीकॉपी कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है संतरे, समझे आ रहा है बाबू? आ रहा है वाला नंबर क्यों दिया है सर, वो तो एच होगा ना। अच्छा बाबू पहला ये एच नंबर है बाबू, ये एच नंबर है सर। मैं इसको आई करके लिख सकता हूँ क्या? अरे शैतान वही क्वेश्चन माने बाबू, आई करके लिख सकता। और वो दूसरी बार बना रहा है इसीलिए बोल रहा है। अच्छा ठीक है दूसरी बार आई करके लिख लो, ठीक है ना दूसरी लिख लो। समझा बाबू? अरज्ञा नहीं समझी? अरज्ञा यस सर। नहीं समझी बाबू? नहीं सर। अरे शैतान क्या बाबू क्या, कैसे नहीं समझ में आ रहा शैतान? सारा बच्चा मेरा समझ गया बाबू, आप कहीं नहीं समझ रहे। अंशिका समझी शैतान? अंशिका यस सर। तो गलती कैसे बनाई थी सर? चार चलिए जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू। आपका आवाज नहीं आ रहा बाबू, आप लोग जल्दी लिखे ना आवाज जाएगा। कौन कौन बच्चा गायब है जी? सर नेट खत्म हो गया इसलिए। अच्छा ठीक है जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। आंसर समझा लोग बाबू? यस चलो सर, दूसरी बार भी हो गया सर, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। अच्छा ठीक है, फिर अगस्त्य काहे से करता शैतान? डांसर समझी सलोनी, काहे गलती कर देती बाबू एलकेजी वाला चीज में? सर डीआईवाई का टाइम हो गया शायद। अच्छा ठीक है, सलोनी काहे गलती कर देती बाबू? हाय सलोनी गलती काहे कर देती हो शैतान, खाली मम्मी से गप करती हो बैठ के? सर ऐसे ही गलती डांसर। ठीक है चलो अच्छी बात है। शुभ बाबू काहे नहीं समझ में आ रहा? शुभ ऐसे ही गलती कर देती सर, अब होमवर्क देने का टाइम हो गया। अच्छा ठीक है होमवर्क दे रहे हैं शैतान, पर मेरा पॉइंट के बाद गड़बड़ा गया शैतान, और पॉइंट के बाद कुछ और ही लिख दिए। इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, कल हम लोग बाबू दूसरा टाइप इसमें पढ़ेंगे। बस रिवाइज सर, कल एक और ऐसे समझा दीजिएगा उसके बाद दूसरा टाइप। हाँ तो पहले आज वीडियो देख लेना, ठीक है ना जी? ये चाहे पहले वीडियो देख लेना। नेक्स्ट बाबू कितना DIY है ना? अच्छा DIY है, 111 को डिवाइड करना है 11 से, IJ 1 2 3। मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, 111 वाले को जे सर वैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि सर मैंने I को वो H बना दूँ क्या वापस? कर लीजिए। अच्छा ठीक है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं कर लीजिए। नेक्स्ट बाबू 97962 58 को डिवाइड करना है कितना से बाबू? DIY। हाँ DIY, IJKL 101020220 को डिवाइड करना है 15 से, है ना? पांच को देते हैं M बाबू। सर फर्स्ट क्वेश्चन में कितना वन है? 2 4 6 सर मेरा नेट नहीं बचा है इसलिए आप सेंड कर दीजिएगा DIY। सर कितना वन है सर इसका? घड़घड़ा आ रहा था कुछ सुनाई नहीं दिया। 8 times है सर इसको सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप। अच्छा ठीक है शैतान कर रहे हैं, कर शैतान सर होमवर्क लिख ली सर। लिख ली बाबू? यस सर। चलो अच्छी बात है सर। इंग्लिश का क्लास किस बजे स्टार्ट होगा? 6:30 से कल, जिसको जिसको इंग्लिश पढ़ना रहेगा। अरे शैतान लेकिन आप लोग आओगे तो हल्ला भी करोगे, शांति से खाली सुनना है, कुछ बोलना नहीं है। नया टीचर रहेंगे सर। मैंने सर हाँ जो सर पिछले बार आए थे वही होंगे? नहीं दूसरा टीचर बाबू, दूसरा टीचर जिस कॉपी में।